नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोफिशिएंसी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने क्लेंडर की एक क्लास देखी थी, आज हम लोग क्लेंडर की सेकंड क्लास देखेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी तारीख से किसी भी सप्ताह के दिन का कैसे पता लगाया जा सकता है। इसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी, उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। सबसे पहले डे, या मैं कहूँ डेट, जो भी गिवन डेट हम लोगों को दी जाएगी तारीख के अंदर, उस डेट या डे को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सेकंड जो एलिमेंट है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो होगा मंथ। उसके बाद जो नया एलिमेंट होगा जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो होगा सेंचुरी, ईयर। चलो मैं सेंचुरी ईयर लिखता हूँ इसको। और उसके बाद रिमेनिंग ईयर्स, रिमेनिंग। उसके बाद जो हमको ज़रूरत पड़ेगी वो होगा लीप ईयर, या लीप ईयर्स मैं इसको लिख देता हूँ। यानी कि किसी तारीख से दिन का पता लगाने के लिए हम लोगों को पांच एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और पांच एलिमेंट्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, डे या डेट, उसके बाद मंथ, देन सेंचुरी ईयर, उसके बाद रिमेनिंग ईयर और लीप ईयर। ये सभी जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये जो टोटली डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ओड डेज पर। तो आप कहेंगे ये क्या वाला है, इसको जरा समझ लेते हैं। ओड डेज या विषम दिन, तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सिंपल सा इतना समझने की ज़रूरत है कि एक सप्ताह के अंदर कुल 7 दिन होते हैं, और 7 दिन का सर्कल पूरा करने के बाद जो अधिक दिन बच जाएंगे हमारे पास, वही हो जाएंगे विषम दिन या ओड डेज। जैसे अगर मैं लिखूँ 8 दिन, तो 8 दिनों में आपको पता भी 7 दिन का सर्कल एक बार कंप्लीट होगा और उसके बाद बच जाएगा 1 दिन। या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 8 दिन को 1 सप्ताह 1 दिन। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ 25 दिन, तो 25 को आप जब डिवाइड करवाएंगे 7 से, तो 7 3 21 बच जाएगा आपके पास 4। तो यहाँ पर 4 हो गया हमारे पास ओड डेज या विषम दिन। तो ये जो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर कंप्लीट कितना आया 3, तो ये हो गया 3 सप्ताह और उसके बाद 4 दिन। तो यहाँ पर जो मैंने 4 दिन और 1 दिन लिखा, जो कि 7-7 का सर्कल कंप्लीट करने के बाद बचते हैं, यही हो जाएंगे विषम दिन या फिर ओड डेज। इन्हीं के आधार पर हम लोग पता लगाएंगे कि किसी तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो चलिए एक बार मैं इसको रब करता हूँ और अपने क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं हम लोग। तो आपको ओड डेज समझ में आ चुका है, तो हम लोग कंप्लीट 7 का सर्कल कंप्लीट करना है, और उसके बाद जो दिन बचेंगे वही हो जाएंगे ओड डेज। बस इतना ध्यान रखना है। अब सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ सभी के सभी। शुरुआत करेंगे हम लोग रविवार से, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। चलो जी, यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ इनके कोड। जैसे शुरुआत करेंगे हम लोग रविवार से, तो कुल जो ओड डेज होंगे, एक बात को और समझ लें कि कुल जो ओड डेज होंगे वो मैक्सिमम 6 तक हो सकते हैं, क्योंकि कुल जो हमारे पास दिन है वो 7 हैं, और 7th को हम लोग यहाँ पर 0 मान के चलेंगे, ठीक है। तो 7th जो होगा वो 0 होगा, उसके बाद जो दिन बचेंगे वो 6 तक हमारे ओड डेज जा सकते हैं। जैसे 7 का सर्कल कंप्लीट होगा, तो उसके बाद तो हमारे पास कोई भी ओड डे बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो 7th पे जा करके कंप्लीट सर्कल हो जाएगा 7 का। इसी वजह से 7, जैसे मान लो यहाँ पे शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, तो ये यहाँ तक तो हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर जाएंगे 7th नंबर पर, तो यहाँ पर ओड डे बचेगा ही नहीं, क्योंकि 7 का सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए ये 6 तक मैक्सिमम हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कोड की रविवार से। तो रविवार को लिखेंगे हम लोग 0, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, वीरवार 4, शुक्रवार 5 एंड शनिवार 6। ये हो गए हमारे पास डे के कोड। इसके बाद हम लोग समझते हैं भाई मंथ के कोड्स के बारे में। तो मंथ के कोड शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर जनवरी से। तो चलिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गए हमारे पास 12 के 12 महीने। और इनका जो कोड है वो लिखते हैं हम लोग, जैसे कि जनवरी का जो कोड है वो होगा 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 एंड दिसंबर का 5। ये हो गए हमारे पास मंथ के कोड। अब जो रह गया है वो रह गए हमारे पास कोड सेंचुरी ईयर के। सेंचुरी ईयर के कोड मैं चलो यहाँ पर लिख देता हूँ। हम लोग शुरुआत करेंगे भाई 1600 से, 1700, 1800, 1900, बस चार तक आगे बढ़ेंगे, उसके बाद वापस घूम करके यहीं पे आ जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो सेंचुरी ईयर 400 से पूरी तरह से भाग होगा वही होगा लीप ईयर। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि लीप ईयर को लीप ईयर के नीचे ही रखना है। तो 1600 हमारा एक लीप ईयर होता है और 1700 जो एक सेंचुरी ईयर है 400 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, तो ये एक नॉर्मल ईयर है। 1800 भी एक नॉर्मल ईयर है, 1900 भी एक नॉर्मल ईयर है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो सेंचुरी ईयर आएगा जो कि लीप ईयर है वो 2000 है। 1600 के बिल्कुल नीचे 2000 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2100, 2200, 2300। आप इसको जहाँ तक चाहे वहाँ तक बढ़ा सकते हैं, 2400, 2500, 2600 या 2700, इसी तरह से आप आगे बढ़ाते ले जा सकते हैं। अगर आपको इससे पीछे की डेट का पता लगाना हो तो आप 1600 यहाँ पर वापस जाएंगे 1500, 1400, 1300 और 1200, बैक में भी आप जा सकते हैं। तो अब मैं इनका कोड लिख देता हूँ। तो 1600 का जो कोड है वो 6 रहेगा, 1700 का जो कोड रहेगा इसमें से 2 कट जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पर 1800 तो इसमें से भी 2 कटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 1900 का जो कोड होगा वो हो जाएगा 0। ये सिर्फ 1900 का कोड नहीं है, इसके नीचे आने वाले जो भी साल होंगे इन सभी का यही कोड है। जैसे 1900 का कोड 0 है, 1800 का कोड 2 है, और यहाँ पर 1700 का और 2100 का कोड 4 है, 1600 और 2000 का जो कोड है वो 6 है। एक सीरीज के अंदर या लाइन के अंदर ये जो जितने भी साल आएंगे इन सभी का ये कोड होगा। तो ये हो गया हमारे पास सेंचुरी ईयर्स। अब समझते हैं लीप ईयर और रिमेनिंग ईयर क्या है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं एक यहाँ पर ले लेता हूँ 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इसके अंदर हम लोगों को समझना है कि रिमेनिंग ईयर क्या है, लीप ईयर क्या है। देखिए 1947 को जो है मैं लिख सकता हूँ 1900 जमा में 47, तो ये जो 1900 है यही हो गया इसका सेंचुरी ईयर, और जो 47 है ये हो गया रिमेनिंग ईयर। एक और एग्जांपल देख करके चलते हैं। 2010 अगर मैं लिखूँ तो 2010 को लिख सकते हैं 2000 प्लस 10, 2000 जो हो गया वो हो गया सेंचुरी ईयर और 10 जो हो जाएगा वो रिमेनिंग ईयर। अब समझते लीप ईयर। तो लीप ईयर आपको पता है कि हर 4 साल के बाद, हम लोगों ने समझा है या माना है कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। तो यहाँ पर जो 10 साल रिमेनिंग ईयर बचे हैं, यहाँ पर ये जो 47 साल रिमेनिंग ईयर बचे हैं, इनमें हमको पता लगाना है कि कितनी बार लीप ईयर आया होगा। तो इसका पता लगाने के लिए हम लोगों को इसे 47 से डिवाइड करना होगा। तो 47 इसको डिवाइड करवाएंगे हम 4 से, और यहाँ पर हमारे लिए जो ज़रूरी है या इसकी हमें ज़रूरत है वो हो जाएगा इसका भागफल या क्वोशेंट। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर से हमें कुछ लेना देना नहीं है। जब भी हम लोग लीप ईयर की बात करेंगे तो उस समय हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हो जाएगा हमारा भागफल। तो इसको डिवाइड करवाते हैं 4 1 जा 4, 0 बच जाएगा 7, तो 4 1 जा 4 बच जाएगा रिमाइंडर 3। तो रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, हमको ज़रूरत है भागफल की। तो भागफल को हम लोग लिख देंगे जब हमको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा भागफल, यानी कि ये हो गया हमारे पास कितनी बार आया है लीप ईयर। चलिए अब हम लोग इस एग्जांपल को पुट करते हैं अपने इस क्वेश्चन के एलिमेंट्स में। तो 1947 के लिए मैंने लिखा था 1900 प्लस 47, तो डे या डेट जो दी गई है उसमें हम जो डेट पूछी गई है वही एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर 15 अगस्त पूछा गया तो 15 लिख देंगे। अगस्त का जो कोड है हम लोग यहाँ से उठाएंगे, अगस्त का कोड है भी 2, तो यहाँ पर अगस्त का कोड लिख दिया जाएगा।
सेंचुरी ईयर की बात करें तो सेंचुरी ईयर आप लोगों के सामने है कितना, 1900। तो 1900 का कोड आप लोग यहाँ से उठाएंगे, 1900 का कोड 0, सेंचुरी ईयर हो गया 0। रिमेनिंग ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर जो रिमेनिंग ईयर्स हैं वो कितने हो गए, 47। तो एज इट इज लिख देंगे जो कुछ हमारे पास दिए गए हैं रिमेनिंग ईयर। उसके बाद जो हमारे पास बच गया वो हो गया लीप ईयर्स। तो अभी हम लोगों ने निकाला है 47 ईयर्स में कितनी बार लीप ईयर आया है, तो वो आया है 11 बार। तो आप इसको 11 बार यहाँ पर लिख देंगे। अब एक ऑप्शन तो है कि आप इन सभी को जोड़ लें, उसके बाद 7 से भाग करें, और 7 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलें यही एक बार तरीका लगा लेते हैं, उसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा। 7, 1, 8, 2, 10, 5, 15, 1, 2, 2, 4, 6, 6, 1, 7। तो 75 हमारे पास यहाँ आंसर आया है। तो 75 में कितने जो है यहाँ पर कंप्लीट वीक्स बनेंगे, या कुल कितने कंप्लीट सप्ताह बनेंगे, और कितने हमारे पास ओड डेज बचेंगे, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 75 को डिवाइड करवा के 7 से। 7, 1 जा 7 बचेगा कितना, 5। तो ये 5 है, ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर या फिर शेषफल, और यही हमारा आंसर है। तो 5 जो है किस दिन का कोड है, आप जरा देख सकते हैं। तो 5 हुआ शुक्रवार का कोड, तो भैया उस दिन शुक्रवार था। तो 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन शुक्रवार था। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, उससे बातें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए सेकेंड एग्जांपल, चलिए अपना गणतंत्र दिवस का ही ले लेते हैं हम लोग। 26 जनवरी 1950, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। चलिए यहाँ पर जो डे या डेट है वो कितनी हो गई, 26। मंथ जो हो गया जनवरी, और जनवरी का कोड है यहाँ पर 0, तो लिख देंगे। सेंचुरी ईयर की बात करें तो 1900 प्लस 50, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो 1900 का कोड फिर से हमारे पास 0। रिमेनिंग ईयर्स कितने बच जाएंगे, 50 लिख देंगे। लीप ईयर कितने हैं, तो 50 में कितनी बार लीप ईयर आया है इसको काउंट कर लेंगे हम लोग 50 को डिवाइड करवा करके 4 से। तो 4, 1 जा 4, 4, 2 जा 8। तो सेंचुरी ईयर्स में यानी 50 रिमेनिंग ईयर्स में जो हमारे पास लीप ईयर्स आए हैं वो आ गए 12। अब फिर से वही तरीका, या तो हम इसको कंप्लीट डिवाइड टोटल कर लें इसका, और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको डिवाइड करवाएंगे 7 से, और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। या दूसरा हमारे पास तरीका कि हम इसी को यहाँ पर ही 7 से डिवाइड करवा लें, और जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। 7, 3 जा 21, तो जब 26 में से 21 जाएगा तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बच जाएगा 5। 50, तो 7, 7 जा 49, तो यहाँ पर जब 50 में से 49 जाएगा तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। यहाँ पर 12 की बात करें तो 7, 1 जा 7, और रिमाइंडर जो बचेगा हमारे पास वो बच जाएगा 12 में से 7 जाएगा तो 5। अब ये बच गया हमारे पास 7, 5 एंड 1, 6, 6 एंड 5, 11। तो 11 आया भाई हमारे पास यहाँ पर। तो 11 में से हम लोगों को पता है कि 7 का तो सप्ताह होगा हमारे पास, तो इसके अंदर 7 घटा देंगे तो जो ओड डेज बचेंगे हमारे पास वो कितने बच जाएंगे। तो 11 में से जब 7 जाएगा तो भाई हमारे पास ओड डेज बचेंगे 4, यानी कि 4। और 4 का जो दिन है वो हो गया वीरवार। तो आपको पता लग चुका है कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन था वीरवार। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी बातें समझ में आई हैं। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस और निकलेंगे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ तक जो आपने समझा है इसमें एक पॉइंट छूट चुका है, एक थोड़ी सी अधूरी जानकारी है जिसको पूरा कर लेना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि नीम हकीम खतरे जान।
आधी अधूरी जानकारी किसी खतरे से कम नहीं होती। तो इससे आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा इससे संबंधित, तो ज़रा ध्यान दें। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। देखिए, दो कंडीशंस हैं, दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि अगर जो महीना है वो जनवरी या फिर फरवरी, दोनों में से कोई भी हो, ये वाली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन कि जो हमारा साल है वो अधिवर्ष हो, या फिर मैं कहूँ कि लीप ईयर हो। अगर ये दोनों शर्तें एक साथ सेटिस्फाई होती हैं, एक साथ लागू होती हैं किसी क्वेश्चन पर, तो उस समय जो हम आंसर करेंगे, उस जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, जो कि अभी यहाँ पर हमारा आंसर आया था 5, फाइनल आंसर हमारा फोर आया था इस वाले क्वेश्चन में, तो हम जो फाइनल आंसर करेंगे तो उसमें से एक घटा करके आंसर करेंगे। तो हम लोग वहाँ पर वीरवार नहीं, बुधवार आंसर करते। कब? जब ये दोनों शर्तें एक साथ शुरू होती है, देख दोनों शर्तें एक साथ लागू होती। तो चलिए देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं इसको ज़रा मिटा दूँ यहाँ से। किस पोर्शन को? चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। कैलकुलेट करना तो आप लोग समझ ही चुके हैं, बस थोड़ा सा ये समझना है कि किस किस साल में हम लोगों को ये दोनों वाली शर्तें जहाँ पर लागू होंगी वहाँ पर एक घटा करके आंसर करना है। जैसे अगर मैं लिखूँ 26 जनवरी 2004, एक और एग्जांपल लिख देता हूँ 26 जनवरी 2006, या मैं लिखूँ 28 फरवरी 2008, और मैं लिख देता हूँ 28 फरवरी 2009। देखो, 26 जनवरी, तो सबसे पहली जो बात करें तो पहली कंडीशन जनवरी या फरवरी वाली, ये तो कंप्लीट हो गई। 2004 की बात करें, 2004 क्या है, एक लीप ईयर है या नहीं? तो बिल्कुल है सर, क्योंकि हमको पता है कि जिस भी सन के लास्ट के दो डिजिट 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं वो एक लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो इस क्वेश्चन का जब हम लोग आंसर करेंगे तो वो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, उसमें से हम लोग 1 को माइनस करेंगे और तब जा करके हम लोग अपना एग्जैक्ट आंसर करेंगे, सही आंसर उस क्वेश्चन का देंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ओड डेज आए इसमें 5, तो हमारा आंसर यहाँ पर शुक्रवार नहीं होगा, इसमें से हम लोग 1 को माइनस करेंगे, 4 बचेगा और हमारा आंसर आ जाएगा वीरवार। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ कि अगर किस तरह से हम लोग एक घटाएंगे। अब इस एग्जाम्पल को ज़रा समझते हैं। 26 जनवरी, यहाँ पर भी पहली कंडीशन जनवरी या फरवरी वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है। और 2006 जो है ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास ओड डेज फाइनल लास्ट में आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, इसमें से हमको एक घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उसी वक्त घटाएंगे जब हमारे पास ये दोनों ही कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होंगी। इस वाले क्वेश्चन में देखें तो फरवरी का महीना है, बिल्कुल ठीक है जी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दूसरी कंडीशन 2008 अधिवर्ष है, बिल्कुल ठीक है, 4 से भाग हो जाएगा पूरा, तो इसी वजह से दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर हम लोग -1 करके आंसर करेंगे, बिल्कुल ठीक। अगर बात करें 28 फरवरी 2009 की, तो फरवरी वाली बात तो सेटिस्फाई होती है, लेकिन 2009 अधिवर्ष या लीप ईयर नहीं है, इसी वजह से एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सेकंड वाली नहीं, इसी वजह से यहाँ पर हमको -1 करके आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हमारा आंसर आएगा वही फाइनल होगा। चलिए भाई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मान लेते हैं कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 15 मार्च 2008। अब इसमें 2008 लीप ईयर है, बिल्कुल ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लेकिन पहली वाली जो कंडीशन जनवरी या फरवरी वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो फिर से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी और एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसी वजह से यहाँ पर ही हम लोगों को -1 करके आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी हमारा यहाँ पर ओड डे आएगा उसी के अनुसार यहाँ पर हम उसका कोड देख लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ चुकी है। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहां से अक्सर पूछ लिया जाता है उसका हम लोग जिक्र कर लेते हैं। देखिए, कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि किन, या ऐसा लिखा जाएगा कि साधारण वर्ष में किन महीनों के पहले या प्रथम दिन समान होंगे, मतलब कि कौन से ऐसे दो महीने होंगे जिनके जो शुरुआत है वो सेम ही जैसे होगी। मान लो कि एक महीना ए है, एक महीना बी है। इस दिन अगर शुरुआत सोमवार से हो रही है तो इसकी भी शुरुआत सोमवार से होगी, इसकी मंगलवार से हो रही है तो इसकी मंगलवार से, इसकी बुधवार से तो इसकी बुधवार से। तो इस तरह से जो महीने की शुरुआत होगी वो सेम डे से होगी। यही इस तरीके क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई आपको ये कोड याद रखने हैं। जिन महीनों के कोड एक जैसे हैं वही महीने जो है साधारण वर्ष में उनके पहले दिन एक से होंगे। जैसे कि यहाँ पर बात करें तो आंसर आ जाएगा फरवरी और मार्च, क्योंकि दोनों का जो दिन है वो या कोड है वो 33 है। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो नवंबर में भी, तो यहाँ पर नवंबर भी, इसका भी कोड 3 है। तो फरवरी मार्च और नवंबर के ऐसे महीने हैं जिनके दिन समान रहेंगे साधारण वर्ष में। उसके बाद अप्रैल और जुलाई की बात करें तो इनके भी रहेंगे भाई, क्योंकि अप्रैल का कोड भी 6 और जुलाई का कोड भी 6। ठीक है, ये वाले दो महीने हो गए भाई जुलाई वाले, और यहाँ पर नवंबर, फरवरी और मार्च हो गया। उसके बाद जो हमारे पास जनवरी और अक्टूबर के महीने बचते हैं, ये दोनों भी, इन दोनों के भी जो प्रथम दिन है वो समान रहेंगे, क्योंकि जनवरी का कोड भी 0 और अक्टूबर का भी 0। सितंबर और दिसंबर का भी सेम रहेगा, क्योंकि सितंबर और दिसंबर दोनों के जो कोड हैं वो 5-5 है। तो साधारण वर्षों में ये वो महीने हैं जिनके प्रथम दिन या पहले दिन समान होते हैं। अब अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाए, यहाँ पर साधारण वर्ष की जगह अधिवर्ष कर दिया जाए यानी कि लीप ईयर कर दिया जाए तो क्या होगा? तो बस अधिवर्ष के समय में आपको इतना करना है कि जो हमारे पास कोड दिए गए हैं इसमें से एक एक घटा देना है सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने में से। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर का जो इफेक्ट आएगा वो जनवरी या फरवरी तक ही आएगा, उसके बाद वाले जो हमारे पास कोड्स हैं इन पर इसका इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी पर उसका इफेक्ट देखा जा सकता है। तो हम लोग इसमें से एक एक घटा देंगे, तो यहाँ पर जो 3 है इसमें से जब हम लोग एक घटा देंगे तो हमारे पास जो कोड बचेगा वो बच जाएगा भाई 2, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अच्छा, उसके बाद जनवरी है, इसका कोड भी हम लोग जब यहाँ पर 0 किसको डिनोट करता है, 0 डिनोट करता है जी 7 को, और जब 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 6। अब थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं इसमें कि कौन से वो महीने हैं जिनका जो है प्रथम दिन समान रहेगा एक अधिवर्ष में, तो वो है जनवरी, अप्रैल और जुलाई। ये तीनों महीने का कोड हो गया 666, तो इसी वजह से तीनों वो महीने हैं जो कि एक अधिवर्ष में एक समान होंगे। उसके बाद बात करें तो फरवरी और अगस्त दोनों का कोड हो जाएगा 2, तो ये दोनों भी ऐसे महीने होंगे जो कि एक अधिवर्ष में एक समान होंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करें सितंबर और दिसंबर तो है ही, इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं आया। मार्च और नवंबर ये जो दो महीने हैं ये एक समान हो जाएंगे। अक्टूबर ऐसा महीना हो जाएगा जो किसी से भी मैच नहीं करेगा, अक्टूबर, मई और जून ये किसी भी महीने के समान इनके प्रथम दिन नहीं होंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज यहाँ तक की क्लास समझ में आई है, और इसके बाद की जो और कैलेंडर्स के क्वेश्चन बचते हैं इस चैप्टर से वो मैं अगली क्लासों में आपको करवाऊंगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस पढ़ते रहें और इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास आएगी तो ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा, या आपकी नई जो क्लास होगी वो पूरी तरह से डिपेंड करेगी आपके प्रीवियस क्लासेज पर। तो इस क्लास को एक बार अच्छे से पढ़ें, इसको रिपीट करें जब तक कि सभी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ना बैठ जाए। उसके बाद हम लोग नई क्लास को जल्द से ही डाल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं तक। देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
थैंक यू वेरी मच।